बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेडिकल हर्बल स्टेशन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज हर्बल लाइफ हेल्थ के सेंटर जोहटा लाहौर से आपसे मुखातिब है। पस सेल्स को कैसे ख़त्म किया जाए, पस सेल्स जन्म क्यों लेते हैं, पस सेल्स के पीछे रीजंस क्या हैं, हम पस सेल को ख़त्म करने के लिए क्या क्या इकदाम कर सकते हैं और इसके लिए एक हर्बल टिप क्या है, इस पर आज मैं टॉक करूँगा। अल्टरनेटिव मेडिसिन हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएं। थैंक यू, जजाकल्ला। पस सेल्स सबसे पहले आप काफ़ी क्वेरीज आती हैं, जी सर ये देखें जी हमारी रिपोर्ट में 1 से 2 या 2 से 3 पस सेल्स हैं तो इनका ट्रीटमेंट चाहिए। देखें 2 से 3 या 3 से 4 पस सेल्स हैं, कोई इशू नहीं है, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो एक लालची किस्म के डॉक्टर हजरात हैं वो क्या करते हैं जी, 2 से 3 भी पस सेल हों तो उनको भी मेडिसिन दे देते हैं, मेडिसिन थमा देते हैं और पैसे कमा लेते हैं कि जी आप ये मेडिसिन लें, ये मेडिसिन खाएं कि पस सेल सही हो जाएंगे। 0 से 4, 1 से 4 या 2 से 3 या 2 से 4 जो पस सेल्स हैं ये कोई बीमारी नहीं है, कोई इशू नहीं है। मेन जो है मोर्टैलिटी का इशू होता है, मोर्टैलिटी 50+ होनी चाहिए। तो पस सेल 8 से 10 आ रहे हैं या 8 से 20 आ रहे हैं या 30 तक भी हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये मेरी वीडियो लास्ट तक आप वॉच करेंगे तो आपको हर बात की समझ आ जाएगी। अब पस सेल जन्म क्यों लेते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। सबसे बड़ी रीज़न है जी मोटापा। जिन हजरात को मोटापा है, जिनका वेट ज़्यादा है, उनको पस सेल का लाजमी इशू होगा। सेकेंड, जो हजरात अपनी सफाई का खास ध्यान नहीं रखते, यूरिन पास करते हैं तो उसके बाद प्रॉपर अपनी सफाई का एहतमाम नहीं करते तो कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं तो फ्रेंडली बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं तो पस सेल जन्म लेते हैं। थर्ड, आप जिनसी बेराह रवी का शिकार हैं, आप गलत एक्टिविटीज़ में हैं, गलत कार्यों में मुबतला हैं तो उसकी वजह से भी पस सेल जन्म लेते हैं। पस सेल एक वायरस है, पस सेल्स आपके जो एक्टिव स्पर्म हैं उनको कम कर देते हैं, जो मोर्टैलिटी होती है स्पर्म्स की उनको कम कर देती है, उसमें कमी आ जाती है। जब उसमें कमी आ जाती है जो आपका लाइफ पार्टनर है वो कभी भी कंसीव नहीं कर पाएगा। तो अगर आप लोग औलाद जैसी नेमत से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो अपने पस सेल को कम करें, अपनी रिपोर्ट को ठीक करवाएँ। इसके हवाले से हमारे पास हर्बल ट्रीटमेंट्स भी हैं, इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी करते हैं और मेडिसिन थ्रू कोरियर भिजवाते भी हैं जो हमारे क्लिनिक को विजिट नहीं कर सकते। ये होम रेमेडीज़ है, एक हर्बल टिप है, इसको बना के घर पे भी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर देगा। 2 चीज़ें दरकार होंगी, रीठे का छिलका, रीठे का जो छिलका है वो लेना है, मगज़ नहीं लेना। रीठे का छिलका आप ले लें 100 ग्राम, उसमें ज़ाफ़रान कम अज़ कम 20 ग्राम और 2 ग्राम उसमें कस्तूरी, ये तीनों बराबर वजन में मिक्स करें अच्छी तरह, ये पाउडर आपके पास आ जाएगा और 0 साइज़ के कैप्सूल भर लें। बहुत 0 साइज़ के कैप्सूल मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं, वो वाले कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट खाएं, दूध से बनी हुई अशिया से परहेज़ करें, बैटरी आइटम से परहेज़ करें, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें, कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो चीज़ें हैं उनसे भी परहेज़ करें, लाइक गंदम की रोटी और चावल वगैरह उनसे परहेज़ करें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह महीने के इस्तेमाल से पस सेल ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसके हवाले से कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।